हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई लोकल राइटर। लास्ट ट्यूटोरियल्स, पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स हमारे डीबीएमएस पे बन रहे हैं और हमने काफ़ी सारे डीबीएमएस के टॉपिक्स को कवर किया है। थ्री फोर ट्यूटोरियल्स जो हैं वो ट्रांजैक्शन बेस्ड थे। फिर हमने कॉन्करेंसी कंट्रोल पढ़ा, उसके मैकेनिज्म पढ़े। आज हम उसकी एल्गोरिदम पढ़ेंगे। कॉन्करेंसी कंट्रोल के बारे में हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आज हमारे पास एक सीक्रेट क्वेश्चंस है आप सबके लिए। तो अपने ट्यूटोरियल को हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए हमने बताया था कि दो मेन फाउंडेशन होते थे, शेड्यूल एंड सीरियलाइजेबल। शेड्यूल में सेट ऑफ ऑपरेशंस बाय द ट्रांजेक्शंस ऑन द डेटाबेस सीक्वेंस इन विच वी आर परफॉर्मिंग ऑन द डेटाबेस। डेटाबेस में किस सीक्वेंस में वो लोग जाते हैं, उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स भी पढ़े थे, सीरियल, इक्विवेलेंट, कन्फ्लिक्ट, देन इक्विवेलेंस पढ़ा था और फिर सिमेंटिक पढ़ा था। इसी तरीके से सीरियलाइजेबिलिटी थी कि विदाउट ओवरलैपिंग इन टाइम, एक दूसरे के टाइम को ओवरलैप किए बिना डिफरेंट शेड्यूल्स जब परफॉर्म होते हैं तो वो सीरियलाइजेबल होते हैं। ये तो हमने उसका दो फाउंडेशन पढ़ लिया था। अब हम एक ऐसी एल्गोरिदम पढ़ेंगे जिससे कि कैसे सीरियलाइजेबल अचीव किया जाए, कैसे ऑप्टेन किया जाए, उसे कहेंगे कॉन्करेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम। फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स अक्सर ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन द एग्जाम्स। ओके, सो सॉरी, मेरा लैपटॉप इस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो ये टॉपिक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर एनी एग्जाम रिलेटेड टू डीबीएमएस। चाहे आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी, जो भी आप कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं, डीबीएमएस के ये जो पिछले दो तीन टॉपिक्स चल रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप इन ट्यूटोरियल्स को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए और जहाँ कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारी ईमेल आईडी elocalwriter@gmail.com पर हमें लिख के बताइए या हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन पर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो अभी ये बात समझ में आई थिंक आप लोग को आई होगी कि जो एल्गोरिदम हम लोग यूज़ करेंगे सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो कहलाएगी कॉन्करेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश की है। मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका नाम है V1 और V2। ठीक, या ट्रांजेक्शन की जगह हम इसे व्हीकल का भी नाम दे सकते हैं। तो जो दो मेन व्हीकल हैं वो हैं V1 और V2। सपोज करिए एक कंडीशन है जहाँ पर एक ब्रिज है, जो कि यहाँ पर एक नैरो सा ब्रिज दिख रहा है। इस ब्रिज से दोनों व्हीकल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो सिनेरियो बनेगा। पहला सिनेरियो ये बनेगा कि जो ब्रिज है वो बहुत ही लेस ट्रैफिक का ब्रिज हो, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक ना आती हो। दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा कि जहां पर बहुत सारी ट्रैफिक आती हो। ठीक है, यही दो कंडीशन बन सकती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जिसमें ट्रैफिक कम है तो वहां पर कन्फ्लिक्ट होने का मतलब कि दो गाड़ियां एक साथ कोशिश करें V1 और V2 एक साथ आने जाने की, तो ऐसी कंडीशन बहुत रेयर ही आती है। ठीक है, क्योंकि ब्रिज पर ट्रैफिक कम है तो ऐसी कंडीशन बहुत कम ही आएगी जब दो व्हीकल एक साथ क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ऐसी कंडीशन जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है तब ये कन्फ्लिक्ट की कंडीशन ज्यादा आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि या तो हम ट्रैफिक लाइट का यूज करेंगे। ठीक है ना, हम ट्रैफिक लाइट का यूज करके इंस्ट्रक्शंस देंगे कि पहले ये व्हीकल गुजरे देन ये व्हीकल गुजरे, या ये कह सकते हैं कि एक व्हीकल जो है वो पीछे होता जाएगा। मान लेते हैं अगर V1 सामने से आ रहा है, V2 भी सामने से आ रहा है, तो एक को अपनी गाड़ी पीछे करनी पड़ेगी तब दूसरा वहां से निकल सकेगा। तो इस टाइप की कंडीशंस हमारे डेटाबेस में भी बनती हैं। तो ये कॉन्करेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम का बहुत ही एक अच्छा और लाइव एग्जाम्पल है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, जहाँ पर कि हम ये बता सकते हैं कि कॉन्करेंसी कंट्रोल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
तो कॉन्करेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम जो है वो दो पार्ट्स में होती है, जिसमें से एक है ऑप्टिमिस्टिक एंड सेकेंड इज पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक वो कंडीशन है जहां पर कंफ्लिक्ट बहुत कम होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि एक नैरो ब्रिज जहां पर कि बहुत कम ट्रैफिक है, तो जहां कंफ्लिक्ट की कंडीशन बहुत रेयर है तो वहां पर हमें ट्रैफिक लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारा खर्चा फालतू जाने वाला है। ठीक है ना, और दूसरा जहां पर एक्सट्रीमली हाई है तो वहां पर हम ट्रैफिक लाइट का भी यूज करेंगे, ब्रेक थ्रू का भी यूज करेंगे, डिफरेंट मैकेनिज्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्या है कि लॉग बेस्ड एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम होती है जिसमें क्या होता है, इन विच ऑल एज्यूम्स पेसिमिस्टिक सिनेरियो। इसमें क्या होता है, पेसिमिस्टिक सिनेरियो में हम लोग लॉग बेस्ड एल्गोरिदम का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पर मतलब ट्रैफिक हाई है, यानी कि जहां पर ज्यादा डेटाबेस को एक्सेस किया जा रहा है वहां पर हम लोग लॉक बेस्ड एल्गोरिदम का यूज करते हैं, विच अज्यूम्स दैट द ट्रांजेक्शन आर गोइंग टू कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर ऑफन, अक्सर ही एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट होगा। दूसरा कौन सा है, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प एल्गोरिदम जो है वो ये अज्यूम करती है कि वो ऑप्टिमिस्टिक मेथड को यूज करती है। ठीक है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक का टाइप है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम होती है वन लॉक बेस्ड एल्गोरिदम, और उससे भी इंपॉर्टेंट होती है टू फेस लॉकिंग एल्गोरिदम। तो आप लोगों ने अक्सर ही इसका नाम सुना होगा, टू फेस लॉकिंग सिस्टम, और अक्सर ही ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो जैसे कि टू फेस लॉकिंग सिस्टम, तो हम पहले इसी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये एक तरीके का लॉकिंग सिस्टम है, यानी कि ये पेसिमिस्टिक, यानी जब बहुत ज्यादा डेटाबेस को एक्सेस किया जाए उस समय उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज को यूज कर रही है। ठीक है, तो टू फेस लॉकिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें लॉक लगी रहेगी। ठीक, द लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज वेन ट्रांजेक्शन कंफ्लिक्ट ऑन डेटा आइटम वी आर इन एसेंशियल गोइंग टू अलाउ दीज ट्रांजेक्शन टू लॉक द डेटा आइटम। सिंपल सी बात है कि जब कोई उस डेटा आइटम को यूज कर रहा होगा तो वो एक लॉक लगा देगा, जिसकी वजह से केवल वो ही डेटा आइटम को यूज कर पाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन अगर किसी सॉरी ये क्या हो रहा है इसको, अगर कोई भी डेटा आइटम लॉक डेटा आइटम को लॉक करता है तो वो अपना यूज करेगा कोई भी ट्रांजेक्शन। जैसे कि हमने पहले ये चीजें बताई थी सीरियल शेड्यूल में, कि अगर कोई डेबिट और क्रेडिट एक साथ करना चाहता है तो क्या होता है। ठीक है ना, उसी तरीके से तो हम क्या करेंगे कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे डेटा आइटम को, अपना काम करेंगे, फिर हम लॉक को रिलीज करेंगे और फिर दूसरा कोई उसको यूज कर लेगा। ठीक, अच्छा, इस टाइप की कंडीशन हम लोगों ने, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, और अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि अगर कोई दो प्रोसेस, वहां पर ट्रांजेक्शन की जगह प्रोसेस होता था, तो अगर कोई दो प्रोसेस सेम ओएस की फैसिलिटी को यूज करना चाहता है तो क्या होता है, वहां पर एक कंफ्लिक्ट पैदा होगा। ठीक है, तो कंफ्लिक्ट पैदा होता था तो वहां पर हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन का यूज करते थे, जिसमें क्या होता था, एक होता था पी और एक होता था वी। पी क्या करता था, लॉक कर देता था, एक्वायर द लॉक, कोई भी उस ओएस को यूज कर रहा है, देन वी मतलब अनलॉक द ओएस एंड देन द अदर प्रोसेस विल यूज इट। यही प्रोसेस थी वहां पर, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें यही बताता था कि पी से हम लॉक एक्वायर कर रहे हैं, वी से हम रिलीज कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारा काम स्मूथली चल रहा है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास है डेटाबेस, और डेटाबेस में केवल लॉक लगा देना या लॉक खोल देना ही केस नहीं बनता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक भी होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था रीड लॉक और राइट लॉक। याद है आपको, रीड लॉक क्या होता था कि रीड लॉक लगाने से कोई भी दो लोग मिल करके भी उसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर अभी हम इस ट्यूटोरियल की बात करें, ठीक, तो इस ट्यूटोरियल को अगर आप सुन रहे हैं तो साथ में कोई और भी सुन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन दोनों लोग साथ में सकते हैं, या कहीं कोई और बैठ करके भी साथ में यूज कर रहा होगा अपने यूट्यूब चैनल से, तो वो भी
ओपन करके सुन सकता है। तो रीडिंग हर कोई कर सकता है, इसी तरीके से डेटाबेस को रीड हर कोई एक साथ कर सकता है, लेकिन राइट राइट करते समय एक एक करके लॉक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई एक उसको राइट कर रहा है, अगर कोई एक इसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा नहीं लाएगा उस टाइम। अगर वो भी लाता है साथ में तो हमें लॉक लगाना पड़ेगा उस पे कि वो सिमिलरली डेटाबेस को यूज करके काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लॉक लगाने के डिफरेंट मेथड्स भी हैं, रीड लॉक एंड राइट लॉक। इसलिए डेटाबेस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल केवल वर्क नहीं करता, बल्कि हमको एक स्टेज आगे जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक हैं। रीड लॉक को अगर हम आरएल से रिप्रेजेंट करें तो वो क्या है, वो एक शेयर्ड लॉक है दैट शोज दैट द ट्रांजेक्शन ओनली वॉन्ट्स टू रीड द डेटा आइटम एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ शेयर्ड लॉक। और डब्ल्यू एल इज एन एक्सक्लूसिव लॉक। डब्ल्यू एल क्या है, एक एक्सक्लूसिव लॉक है, मतलब एक बार में एक ही इंसान इसको यूज करेगा। तो टू फेज लॉकिंग सिस्टम क्या दिखाती है कि देयर आर टू फेजेस, वन इज ग्रोइंग फेज एंड अदर इज श्रिंकिंग फेज। नाउ ग्रोइंग फेज क्या है, तो ग्रोइंग फेज समझने से पहले हमको समझनी होगी ग्रैनुलैरिटी। ग्रैनुलैरिटी कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सी चीज है कि जितना ज्यादा हम डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उसे कहेंगे ग्रैनुलैरिटी, मतलब कितना हम डेटाबेस को लॉक लगा रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स का डेटाबेस है तो हम उसकी आईडी भी लेंगे, नेम भी लेंगे, लास्ट नेम भी लेंगे, तो लॉक हम केवल आईडी पर लगा रहे हैं या लॉक हम स्टूडेंट के नेम पे भी लगा रहे हैं, लास्ट नेम पे भी लगा रहे हैं, रोल नंबर पे भी लगा रहे हैं। तो जितना हम लॉक लगाएंगे उतनी हमारी कॉन्करेंसी, मतलब एक साथ होने की कंडीशन रुक जाएगी, ठीक है ना। तो ग्रैनुलैरिटी यही दिखाता है, ग्रैनुलैरिटी क्या बताता है कि कितना आप उस पर लॉक लगा रहे हो। आपने एक रो पे लगाया, दो रो पे, तीन पे, चार पे, पांच कॉलम, सब कुछ एक्वायर कर लिया, तो जितना ज्यादा आप ग्रैनुलैरिटी इंक्रीज करेंगे उतना ही कॉन्करेंसी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो टू फेज एल्गोरिदम में एक है ग्रोइंग फेज, एक है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज मतलब हम अपना लॉक बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब पहले हमने आईडी पे लगाया, उसके बाद हमने नेम पे लगाया, उसके बाद हमने लास्ट नेम पे लगाया, तो हमारी ग्रो कर रही है लॉक। और जबकि श्रिंकिंग फेज क्या कहता है कि हम लॉक को कम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक कमरे में से कुछ सामान अलग अलग कमरों में रखने हैं, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम वन अगर रूम नंबर वन में हमारा सामान है और हमको उसको 2 से 10 के बीच में रखना है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम दो की लेंगे, फिर थर्ड रूम की लेंगे, फोर्थ रूम की लेंगे, पहले हम सबकी की ले लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारा ग्रो हो रहा है फ्रेज, ठीक। फिर हम एक एक करके, समझ लीजिए हम रूम नंबर 10 में एक सामान रख दिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो की दे देंगे कि मेरा इसका काम हो गया, फिर 9 का काम हो गया, 8 का काम हो गया, 7 का, जिसका जिसका हमारा काम होता जाएगा हम उसकी उसकी की गार्ड को देते जाएंगे कि हमारा इसका काम हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है। तो देयर आर टू फेजेस दैट आर ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग। जब हम ग्रो कर रहे होंगे तो हम कंटिन्यूअसली ग्रो ही कर रहे हैं, ठीक, और श्रिंक कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली श्रिंक ही कर रहे हैं, हम दोनों चीज एक साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। और जब ग्रो करते करते हमारा ग्रो करने का लास्ट स्टेज आ जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे लॉक टाइम। सो वॉट इज द लॉक टाइम, वेन द लॉक टाइम हैज बीन रीच्ड, लेट अस से टाइम टी, द ट्रांजेक्शन इज नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एनी मोर लॉक्स एंड इट ओनली रिलीज द लॉक्स। दिस वी विल पुट इट सो द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रोइंग फेज एंड द सेकेंड फेज इज द श्रिंकिंग फेज। तो क्या करेगा ये कि वो केवल जब लॉक एक लिया, दो लिया, तीन लिया, सारे रूम की ले ली, अब जब सारे रूम की आ गई, अब हमको आगे और कीज नहीं चाहिए, तो ये हमारा हो गया लॉक टाइम। अब यहां से हम श्रिंक ही करेंगे, ग्रो कभी नहीं कर सकते हैं, ये होती है टू फेज की मेन कंडीशन, ठीक। तो आई होप आपको ये टू फेज की स्टार्टिंग समझ में आई होगी। अभी हम लोग इसको एक एग्जाम्पल लेकर के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे और टाइम स्टैम्पिंग और डिफरेंट एल्गोरिदम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आज का टाइम अभी खत्म हो रहा है, इसलिए हमें ये ट्यूटोरियल यहीं पर रोकना होगा।
मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर आप इस क्वेश्चन के सही आंसर्स देते हैं तो दो विनर्स को हम कुछ गिफ्ट्स भी देंगे। तो आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे इस कंपटीशन में, और जल्दी जल्दी हमें लिख के बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेडलॉक बोल दीजिए या टू फेज एल्गोरिदम। ठीक है, तो टू फेज एल्गोरिदम्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं आप हमें बताइए। तो जो स्टार्टिंग में जो जितने जल्दी हमें आंसर्स मिलेंगे उनमें से हम ऐसे रैंडमली कुछ भी लोगों को चूज करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनका मेल आईडी और नेम लेकर के एक अच्छी सी गिफ्ट उन तक पहुंचाने की। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आएगा, लेकिन गिफ्ट्स के लिए आपको हमारे वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपको ट्यूटोरियल्स अगर समझ में आ रहे हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहे तो हमें बताइए कि क्यों नहीं समझ में आ रहे, सिंपल सी बात है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू, बाय बाय।